तो है भैया, पर आजकल इन बातों को कौन मानता है। मेरी बेटी की सगाई हुई तो वो लोग दहेज में 5,000 रुपया मांगते हैं। 5,000? अरे राम राम, बिमला जाग रही है। जाग रही तो मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं रुपया और कैसे होगा ब्याह? मकान बेच देंगे। मकान बेच देंगे? भैया ये दोनों बहुत छोटे थे तब इसके बाप की मृत्यु हो गई। अपने सारे जेवर बेच बात के इसे पढ़ाया लिखाया, एक दिन सब दुख दूर हो जाएंगे। पर इसे अभी तक नौकरी ही नहीं मिली। अब भला सोचो कि मकान बेच दूं तो कहाँ रहूं कल? ठीक भैया, एक घबराओनी माँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ माई, ये सारा संसार एक कस्तमा है, सब भगवान भला करिए। जय भगवान। अरे कहाँ कर रहा था, गिरी जा है? अरे भगवान तू जरा इस तरफ आ जा। हम तो आराम नहीं करियो। अरे पिटिया रानी का तो जान दे जरा। सो जो भैया, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी की है तूने। आए भैया, निर्मा तो हम तुझसे बढ़वा रहे। हमार उम्र पूरी 60 साल है, अब तुहार उम्र 22 साल का है। हम जात का धोबी है पर महीना में 200 रुपया कमाई थी, और तुहार कुछ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं है तो आमदनी में हम तुझसे बड़ा है। अब एक बात पूछी भैया कि तुम हमका तू कही के कैसे बुलावा है? एक तो हम तुम्हारी बहनी का जगा दे, अब तुम दो चार अक्षर अंग्रेजी का पढ़ लियो, एकदम सभ्यता ही भुला दियो। है राम राम राम, चल इनसे माफी मांग, चल मांग माफी। भैया गलती होगी, अब काम करो। जियो बच्चा जियो, यू का सभ्यता का दिन, जीते रहो बेटा जीते रहो। जरा भैया खत के बैठो जा। राम, ए राम, जरा बेटा बाहर जाके देख तू, गाड़ी बड़ी देर से खड़ी है, क्या बात है? गाड़ी बड़ी देर से खड़ी है, उठवा उठवा देखा गाड़ी खड़ी हो गई है। भाई साहब हुस्न बुला रहा है। कहिए मैम साहब। बता सकते हो गाड़ी क्यों रुक गई? रेलवे लाइन पर मुर्गी ने अंडे दे दिए हैं, जब वो अंडे हटाए जाएंगे तो गाड़ी चलेगी। अभी तक क्यों नहीं हटाए? अरे वाह मैम साहब, क्या दिमाग पाया है आपने। ओए बदतमीज हो तुम। अरे वाह, तू तड़ाक से तो बात आप करते हो, बदतमीज मैं हूँ? बदतमीज तो आप हैं। हुस्न भी कभी बदतमीज होता है। मेम साहब, ये दुनिया वाले दो और दो को चार ही कहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। इधर देखिए, मैं दो और दो को 22 कहता हूँ और सुखी रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। कह रहे थे हुस्न बदतमीज होता है। मेम साहब भी दो और दो को चार ही कहती है। अंदाता राजकुमारी अपने कमरे में नहीं है, उनके बिस्तर से यह चिट्ठी मिली है। मैं सदा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। जो वर आपने मेरे लिए ढूंढा है वह मुझे कदाचित पसंद नहीं। दुख है कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। आपकी अभागी इंदिरा। हेलो हेलो कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर के लिए प्लीज स्पीक। अरे ओ मास्टर, का कष्ट हुए? हम कहा ये गरिया का है रुक गई बा। बताता हूँ बताता हूँ। बतावा भाई, गाड़ी इसलिए रुकी है कि आगे।
गाड़ी क्यों रुक गई? भाई यही बता रहा था, गाड़ी इसलिए रुकी है कि अगले। ओ बाबू, गाड़ी क्यों रुक गया? लाला मैं यही बता रहा था, गाड़ी इसलिए रुकी है। खान साहब जरा बीच में साटुकाई कर रहे हैं, मैं पूछूं गाड़ी किस वास्ते मुकाम कर गई है? सेठ जी मैं इन सब से यही बता रहा था, गाड़ी इसलिए रुकी है कि। क्या? गाड़ी क्यों रुका है? ओहो, पहले आप सब इकट्ठा हो जाइए, फिर मैं बताता हूँ गाड़ी क्यों रुका है। साटुकाई कर रहा है मास्टर जी? नहीं, हमारी सुनो तो सही, पहले सबको इकट्ठा करो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा मैं सबको इकट्ठा करूँ, जरा इधर आओ। देखो भाई बीच में कोई बोले कोई नहीं, खान साहब था दरवाजा पकड़ो, किसी को अंदर मत आने देना। अब कोई बोला तो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, फिर बताओ हमको गाड़ी क्यों रुक गई है। बात ये है कि अगले स्टेशन पर। स्टेशन मास्टर? ओहो राम राम राम, जल्दी करो मास्टर, जल्दी करो। अरे भाई गाड़ी इसलिए रुकी है कि अगले स्टेशन के पहले नदी में बाढ़ आई है, रेल की पटरिया पानी में डूबी है, इसलिए गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। स्टेशन मास्टर साहब, ये गाड़ी कब तक यहाँ रुकी रहेगी? जब तक नदी में बाढ़ रहेगी। पर कब तक रहेगी? अरे ये मैं कैसे बता सकता हूँ, क्या मैं भगत? एक्सक्यूज मी मैडम। WORK वर्क, PRO प्रोग्रेसिंग बिफोर आर। क्यों यंग मैन जी, आप तार का काम भी जानते हैं? जी हाँ जानते हैं। यस, क्या हमको चल देता है यहाँ इस टाइम पड़ेगा? शायद चौबीस घंटा। नवाब पुराना घर के कुत्तों की शादी है, एंड आई एम इनवाइटेड देयर, मुझे बुलाया है, मुझे शाम तक वहां पहुंचना है। सो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा फिर नौकरी के लिए सीखा था, अभी तक नौकरी नहीं मिली। वेरी गुड, वेरी गुड। मी प्लीज वेट, टेस्ट मास्टर कल सुबह तक मुझे बंबई पहुंचना है, इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हो रहा है, लाला मंडा कप्तान है। डू यू नो? नो। यू डोंट नो? सर्टेनली नो। नो नो, मगर मेरी तो नौकरी का सवाल है, कल तक नहीं पहुंचा तो नौकरी कैसे मिलेगी? सिफारिश है तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये अंधेर नगरी स्टेट है, यहाँ बगैर सिफारिश की नौकरी नहीं मिलती। अरे हाँ भाई, अंधेर नगरी तो हाईवे है, ना ही तो इतना कहूँ गाड़ी रुकती बा। अरे वो महत्तर, हम कहा हम रही भाई, कहा पलट फार्म पर। हाँ भैया हाँ, तो हम ऊंचे दर्जे के मुसाफिरों को रहने का क्या बंदोबस्त है जी? यहाँ पर वेटिंग रूम नहीं है? नहीं मैडम। नो नो सर। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आप लोग अपने अपने डिब्बों में रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर न पंखे चलते हैं न पानी है। यस, तो फिर आप लोग इन लोगों की तरफ प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर? प्लेटफॉर्म पर। बाबू जी वाह, तुम तो आज खुश कह दे हो, कम से कम एक दिन तो हम हीरो गरीब साथ मर रहे हैं। आप इतना बकते क्यों है? खफा क्यों होती है मैम साहब? जैसे हम रहेंगे वैसे आप रह सकते हैं। देखिए मिस्टर, खुशकिस्मती से जिंदगी हम पे ज्यादा मेहरबान है, तो हम श्रेष्ठ समझे जाते हैं, दुनिया के तमाम आराम हमें मुयसर है, इसलिए हम आपके साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते, आप समझे बाबूजी? यस मैडम। तो हम लोगों का क्या बंदोबस्त होगा जी? अच्छा स्टेशन मास्टर साहब, इन श्रेष्ठ लोगों का इंतजाम तो होता ही रहेगा, अब ये बताइए कि यहाँ कुछ खाने पीने का बंदोबस्त है या नहीं? नहीं यंग मैन, स्टेशन पर न कोई दुकान है न कुआं। कुआं भी नहीं? नो। 24 घंटे यहाँ रहना है और पानी तक का इंतजाम नहीं है? आई एम वेरी सॉरी। सचमुच ये अंधेर नगरी है। क्या मतलब? ये जगह अंधेर नगरी स्टेट में नहीं है? नहीं मैडम, ये स्टेट का ही आखिरी स्टेशन है, और महाराज हमारे मालिक है। वाह स्टेशन मास्टर साहब। यस, जैसे इस स्टेट का नाम अंधेर नगरी है, वैसे ही अगर राजा साहब का नाम चौपट राजा होता है। क्यों स्टेशन मास्टर साहब? क्या है अब हमारे खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा? यहाँ से करीब ही परलांग आठ परलांग पर एक दुकान है, साथ ही कुआं भी, वहीं खाने पीने को मिलेगा। निहाल चंद, यह लोग कहीं करे, झगड़ो करे,
व्यापारी के काई करना चाहिए तू कहीं को। अरे इधर दुकान भी एक को भी एक व्यापारी। शाबाश, तू जल्दी से जा हमारी रकम से थैली लिया। हाँ पर रकम का काई का सोच है। अरे बुद्धू धंधो करशु धंधो। वाह भगवान वाह, जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक को डबल हुई जाए को डबल। अरे कहीं नहीं शुगना छो है। क्या चाहिए? चना कुरमुरा सेव गाठिया गोदर लड्डू पेड़े, तुम्हें क्या चाहिए? या बोरी में कहीं है? गेहूँ चावल बाजरा बस बस ठीक है ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो सब कुछ चाहिए। फिर मैं बाबा को बुला। बाबा आते हमारा माल जूता क्यों करता है जी? अरे जूता जूता करूँ मैं तो चक्कू। चखना पीना कुछ नहीं, इस लड्डू का एक पैसा देना पड़ेगा। कहीं बात करे, इतना बड़ा धंधो कर रही हूँ। इतना बड़ा धंधो हमें नहीं करना धंधा। एक पैसा निकाल। पैसों निकाल ए, 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 ये पैसों हमें बुद्धू समझ लिया। लो एक दो तीन। या होटो होटो नहीं छोटा है बिटिया। लाला दुकान सारी है कहीं परमेश्वर की है। वाह वाह वाह, बेचनी है? ना ना बाबा, दुकान दुकान नहीं बेचना है, दुकान तो हमारी इज्जत है। सुन लिया? सुन लिया, वो तो ठीक है, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी चाहिए, मैं तो एक दिन के वास्ते चाहिए। एक दिन के वास्ते? अब थोड़ी सी रात हो जाएगी और कहीं घड़ी रकम दो वो। बहुत पैसा? हाँ। ओ या वो किसको आया? हमरा है जी। अरे लिहाज चंदो। अरे जी भी चंदो। अरे जल्दी आओ, मैं तो सो तो पट्टो बिक रहे हैं। अरे बस आओ। तो यार कुआं में पानी है सूखो है। ये बाबा कैसा सेठ है रे, ऐसे पानी के बिना कुआं कैसे हो सकता है? हमारी गलती हुईगी। हाँ हाँ। तो या कुआं न दुकान को सारो सामान, या कुआं न दुकान को सारो सामान, एक दिन और एक रात के वास्ते कहीं दे दूं निहाल चंद। डेढ़ सौ रुपया। डेढ़ सौ? डेढ़ सौ कितना? डेढ़ सौ डेढ़ सौ, वन फिफ्टी। वन फिफ्टी? वन फिफ्टी नहीं, वन फिफ्टी नहीं। हाँ? एक सौ और पचास। मन तो अनपढ़ दिख के एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ बीस बीस कितना? बीस कितना? बीस हिसाब करने हाल चंद। सात बीस ही शेर जी। ओह गणों समझदार है। सात बीस ही? सात बीस ही। एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात बीस ही। सात बीस ही। सात बीस ही। दिया 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 हाल चंद। तो रकम गिन मैं अब आ रहा हूँ। अरे दू रकम दे ना। चला दू दू निहाल चंद, स्टाम्प पे सही करा लेना। चुक्की बात है, चुक्की बात है। एक दो तीन चार पांच, ये छह और ये सात। ए लाला जरा लिखा पढ़ी भी करना। हाँ हाँ भाई, आता हूँ आता हूँ। माँ माँ, वो कुआं है और यहाँ दरख्त भी है, तो यही सामान तुम्हें रख ले। अरे वो दुनिया की माँ उतरिया उतरिया।
संभालिए सेठ जी, बोझ से गिरी जा रही है आपकी बिटिया। काहे बिटिया होगी खारे, हमारी तो जरूर है। असल का मानो है दूसरे की जोरू पे हंसते हैं। 700 रुपया खर्चो क्यों 700। चल भगवान चल। इंसान हैवान तो बिकते ही है बाजार में, धन के हाथों बिक गया इंसान भी संसार में। माँ ये सेठ तो कमीना है ही, मगर इस बच्ची के माँ बाप को गोली मार देनी चाहिए जिन्होंने इस मासूम लड़की को बुड्ढे के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कहते राम, बेटी वालों को ही अपनी मुसीबत का पता होता है। चल बिमला ले रखी। अच्छा मैं ले चलती हूँ। निहार चंद जी, ओ निहार चंद। हाँ नसीब चंद जी, कटे मर रहे है, मारो सामान तो उतार। उतार हूँ। उधर किधर जा रही है? सामान उतारने जा रहे हो नसीब चंद जी? कहीं मारी जरूर को सामान मैं उतारूंगा, मारो सामान तो उतार। अग्री को है सामान के बहुत भारी है। हाँ बिस्तरो कहीं करे। हाँ बेटी ओ घनी भारी है पोटली तो, लाई पिटारो मार पास दे दे। थक गई होगी भगवान, ला मैं थारी थारी सेवा कर दू। सेवा तो मैंने करनी चाहिए। लक्ष्मी है लक्ष्मी। काई नाम है थारो? नैना। नैना जरा थारी भाभी को अंदर ले जाना। जा भगवान जा। तू तो कच्ची है बाबा। बाबा ये कहती है वर्का ने पिता का जन्म के लिए दे दी। हाँ बिटिया हाँ। बाबू जी हम कहा आगे कहाँ जाइयो, इतना सामान मान उतारो ना। हाँ यही रहते हैं कहाँ। अरे तू खड़े खड़े कहा देखा तो दुनिया को लेके आई हो। अरे कहूँ खेलत हो या जाए। खेलत नहीं हो रही डिब्बे में। बैठ 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 आराम बैठा। तेरा कहीं से पानी तो ला हाथ में धोने के लिए। अच्छा जाता हूँ। गोरी स्नान करे, गोरी स्नान करे, शीतल जल की निर्मल धारा चांदी जैसे तन से खेले, जब जी चाहे गले से लिपटे। राम 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 कितना बदमाश आदमी है, देखो ना कैसे गंदे गीत गा रहा है। बड़े गंदे गीत गा रहा है महाबदमाश। गोरी सिमटे लाज की मारी, धारा मान करे, गोरी सुनान करे। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास क्या बकवास नहीं तो और क्या है? कविता है हुस्न की तारीफ में कविता। निहायत आवारा है आप। वहाँ एक नौजवान लड़की को देखा तो कहने लगे हुस्न बुला रहा है, और यहाँ एक नौजवान लड़की को नहाते हुए देखा तो आप शेर फरमाने लगे। हुस्न का पुजारी हो ना तो
आप हर नौजवान और खूबसूरत लड़की को देखकर शेर फरमाने लगेंगे। हो सकता है, तो चलो उठ यहां से, देखते रहिए वहां माए बहने बैठी हुई हैं। वो मेरी भी तो माए बहने हैं, तो माओ बहनों पर कोई गंदे शेर नहीं कहता। चलो उठ उठ उठ। सचमुच तुम लोग दो और दो चार ही कहते हो। दो और दो चार नहीं तो और क्या होते हैं जी? 22 भी होते हैं। और जब आप लोग ये समझ जाओगे तो दुनिया हमेशा हसीन नजर आएगी। थोड़ा पानी। अरे अरे कहीं कर रहे हैं? कहीं फुकट में देने के वास्ते मैंने दुकान में कुआं खरीदो है? बाबू साहब निकालो पानी का पैसा। पानी का पैसा? और नहीं तो कहीं 150 रोकड़ो दियो है। अबार तो कहीं नहीं एक पिशु गिलास दे रहे हो। जैसो सूरज चढ़ेगो वैसो पानी को भाव चढ़ेगो। तुम पानी बेचोगे? तुम पानी बेचोगे? पानी का काला बाजार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? धंधे में शर्म कहीं? 150 दियो है, वसूल तो होना चाहिए कि नहीं? तुमने तो कुआं बनवाया था कि पैसे लोग पानी पिया करेंगे, मगर ये शहर तो पानी बेच रहा है। इस शहर के लोग कैसे होते हैं? मुझसे बहुत पाप हुआ बिटिया, अब क्या करें? हम इन्हें चाहिए उसका साथ भी सी, हम लौटा देते हैं। हाँ ठीक है। देखो भाई, मेरा 5-6 आदमी की जरूरत है। बर्तन घसना, झाड़ू देना, आटा गूंथना और पानी निकालना। जिसको काम करने का है खाना और पानी फोकट मिलेगा। ठीक है बाबू साहब, तुम काम करोगे तो तुमको भी पानी फोकट मिलेगा। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। नौकर नहीं तो पैसा निकाल फिर। ये लो पैसे। कहीं हमें नहीं बेचने? निकल बेचना, तू तो बेच चुकी है। पैसे वापस तो दे रही हूँ, निकल यहाँ से। मैंने नहीं चाहिए थारा पीछा। ले बेच जाता है कि नहीं? नहीं जाता हूँ। मैंने शोधो क्यों है, कोई कानून है कि नहीं है? कानून तेरे बाप के है कि? कानून तो मारे बाप को नहीं है, पर इसके बाप को मारे पास स्टाम्प के ऊपर अंगूठो है। अब कानून हुए के नहीं? कानून क्या होता है जी? कानून कानून स्टाम्प कचेरी कोर्ट मजिस्ट्रेट। वाह सरकार वाह, अच्छा कानून बना दिया। नहीं तो इसके शरीर के 2-4 और मिल जावे तुम्हारे गरीब को धंधो व्यापार बंद हो जाए। सीधे साधे लोगों से स्टाम्प पे दस्तखत करवा के उन्हें धमकी देता है। जेल जाने का बंदोबस्त करता है, कानून तोड़ता है। अबे मैं तो जेल चला जाऊंगा मगर तेरा सर फोड़ दूंगा, ताकि इन सब लोगों का भला तो होगा। हाँ हाँ तो सब लोग बोल रहे ना, तू कैसे बोलता? चले कहीं नहीं, जवान फोड़े माथा गर्म हो जाता है। माँ ये सब लोगों को पैसा मारना चाहता है। ठीक है चल। अरे मैं कोई पानी स्टॉक कर रहा हूँ कहीं, मैं तो पानी बेचती हूँ। ये ले थारा रुपया। बाबू साहब हमारे पास रुपया भी नहीं हो, काम भी नहीं करना हो तो कुछ चीज ले आना। मैंने तो धंधो करना है। अरे वारे धंधो करना है, पानी देता था धंधा करेगा? कोई तो पानी भी बिकता है, कैसा बोलो कहिए? पानी बिकेगा। और सेठ जी जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं आपका धंधा खूब चलेगा। अरे वाह, काय कह गयो? अब बराबर कह गवा है। अबे जा जा जंगल में जा लोटा लेके। अरे वाह दे रहा हूँ जी किसे, बगैर पानी के ही जाओ। मैम साहब, मैम साहब। यस मैम। पानी के लिए पैसा दो। पानी के लिए पैसा दो? पानी बिकता है यहाँ पर। खूब पानी बिकता है डार्लिंग। यस लुक एट हर, पानी बिकता है। पानी बिकता है? हाँ साहब। वाई वाई पानी बिकता है तो हम लोग बियर पियेंगे। कोर्स मेरे पास बहुत बियर है। यस यस आप लोगों के पास बियर विस्की तो है ना? यस। वाह तब तो खूब पिकनिक रहेगी। Isn't that Mrs. Kapoor? Yes. Of course. तेरा वह कैसा नीचेरी पानी बेचता है, कान चाहे को बंद करती है। माँ ने कहा था पति की निंदा नहीं सुना करती। कहाँ जा रही हो बेटिया? देखो बाबा अपनी तरफ से कुछ पैसा चला जाए वो तो अच्छा नहीं। नहीं नहीं तो फिर मैं उस बाबूजी को पानी दे आऊं। हाँ जा। ए छोकरी, ए
मैं कहता हूँ ये पानी मत ले जा। हाँ मैं ले जाऊंगी। मैं कहता हूँ मारे धंधों को नुकसान मत कर। मारे धंधों को नुकसान? यह पानी मारो है। मारो है, मैं अपने घर से ले आई। मैंने सब कुछ खरीद लिया है। मेरे घर का सामान भी खरीद लिया है। आ, 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 कानून मत तोड़, मैं जेल भिजवा दूंगा। जेल भिजवा दूंगा दृष्ट पास। मैं कहती हूँ मैं ले जाऊंगी, ले जाऊंगी, ले जाऊंगी। अरे भाई बाप, छोटी मर गई। अरे तो बचाओ। अरे भाई गुरु को लाल से कटे मर गई। क्या लेना? भाई भाई बचाओ, बचाओ भाई, बचाओ, बचाओ बुजिया को, बचाओ, बचाओ, बचाओ। भाई देखो कास्ट तुम राजन, मैं देखो कास्ट तुम। तू बेटा अब ठीक हो ना? हाँ। बहन उनका देश मानना। बिटिया बाबूजी आए हैं। हाँ इन्हें धन्यवाद करो क्या, इन्होंने तेरी जान बचाई है। हाँ धन्यवाद करो ना बिटिया। नहीं नहीं उठो बेटी, चलो राम कपड़े बदल। चलो माँ। माँ आज आप साल भर इस कुटिया का स्वीकार करो। नहीं क्यों तकलीफ करते हैं आप? भगवान राम ने भी तो बिल्ली के बेर खा लिए। अच्छी बात है, खा ले। चलो बेटा। चलो माँ। अरे तू जानती है मेरे भैया का नाम भी राम है। हाँ और ये भी जानती है जी, बिन्नी ने राम को बेर क्यों खिलाए थे? क्यों? इसलिए कि वो राम से प्रेम करती थी। कैसी है वो? कौन वो? गोरी स्नान कर बनते तो बहुत बड़े मजनू हैं आप। हुस्न बुला रहा है गोरी स्नान करे, मगर जब गोरी कुएं में गिर गई थी तो आप सिर्फ चिल्लाते ही रहे, छलांग क्यों नहीं लगा दी आपने? मेरी मजबूरी होगी। क्या मजबूरी है आपकी? क्या बताऊं तुम्हें, हट्टे कट्टे दिखते हैं आप। ये कहिए ना कि आप दूध पीने वाले मजनू हैं। दिया के बापू 24 घंटा रोटी बगैर तो रह जाई हो, मगर पानी बगैर कैसे रही हो? यहाँ तो पानी के दाम लगत है। अरे भगवान, हम मजूरन का तो कुछ न कुछ काम करके गुजारा हुई है। कोई है? ए है कोई?
अरे भैया जाओ जाओ, कुछ काम करके पैसा कमा ले, जाओ जल्दी। तो कैसी सेठ ने रख लिया और कुछ या काम पर लाग गए है? हम मजूरन का काम मुश्किल तो ही बाबू साहेब लोगन का है, जौन विचार अखर अंग्रेजी के है तो न मेहनत मजूरी कह सकत है और न अमीरन कितना पैसा हवे, शंकु कितना बीच में लटकत रहा थे। महाराज वाह, त्रिशंकु शब्द आपने सफेद पोश लोगों के लिए खूब इस्तेमाल किया है, न जमीन पे न आसमान पर, बस बीच में लटक रहे हैं। अरे हाँ भैया त्रिशंकु तो है। सामान सामान बाबूजी। यस आई एम मिस्टर कपूर, आप आई एम मिस सिंह, शीला सिंह। ओह मिस शीला सिंह, आप हमारे साथ चलेंगी, बहुत अच्छी पिकनिक रहेगी। मैं बाद में आऊँ तो जरूर आइएगा, प्लीज प्लीज। यस कम ऑन। अरे तेरे भैया को खाने में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ? हाँ। दाल भात ही खा लेती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छी। सखी पहले भी उन्होंने किसी की जान बचाई थी? हाँ एक दफा एक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से गिर गया था और उन्होंने उठा के रख दिया। सचमुच बहुत दयावान है तेरे भैया। देखो ना बिल्ला, जब मैं कुएं में गिरी थी तो बोले मजबूती से पकड़ रही हो, अब की फिसली तो नहीं निकालूंगा। तो बिल्ला मैंने उन्हें कस के जकड़ लिया, कस के। बिल्ला और कोई होता तो भी वो कूद पड़ते। अरे कोई और कैसे होता, तुम्हें ही गिरना था, उन्होंने ही बचाना था, ये तो विधाता ने पहले ही से लिखा था। विधाता? कोई है? जी हाँ आप हैं? कोई है? जाइए हजरत, हुस्न फिर से बुला रहा है। निहायत बेशर्म है जी आप। मैंने ऐसा क्या बुरा कहा है? जाओ खुशकिस्मत इंसान, हुस्न की खिदमत का एक और मौका मिल रहा है। हजरत मजनू आप खुद ही क्यों नहीं तशरीफ ले जाते? कोई नौजवान ऐसा मौका छोड़ता, मेरी मजबूरियां हैं। जाओ जाओ मिस्टर प्लीज। अरे भाई सुन लिया करते हैं ना, जाओ 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 ना। नहीं जीत है जी आप। अच्छा कोई है? थैंक यू। कहाँ जाना है आप? वहां। चलिए आपको छोड़ा हूं। आखिर आप श्रेष्ठ लोगों का हमारे बगैर गुजारा नहीं। मतलब? तो उठाइए। पैसे की ताकत जरूर है आप में, मगर आप में बोझ उठाने की ताकत नहीं है आप। आप एहसान क्यों जता रहे हैं? लीजिए। ये क्या? आपकी उजरत? मैंने उजरत के लिए आपका सामान नहीं उठाया था। तो फिर क्यों उठाया था? हमदर्दी के लिए। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, लीजिए। दो तीन मोटर और चांदी के चंद सिक्कों ने आपका दिमाग खराब कर दिया मेम साहब। माफी मांगो। नहीं माफी मांगो, नहीं तो माफी मांगो। बड़े खुशकिस्मत हो दोस्त, बड़े खुशकिस्मत हो। एक हुस्न बचाया जा रहा है, दूसरा थप्पड़ मार रहा है,
कैसे बात करते हैं और दूसरे मजाक उड़ाते हैं आप? मैं कहता था ना, मेरी मजबूरियां हैं, मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, दुनिया में हर ताकत पर कमजोर को मारता है। ऐसी बात तो नहीं है। तेरे बाबूजी को मारे तुमने? वही वही देखो रेगिस्तान में जनाब कुछ देखो जनाब कुछ नहीं देखो। वो 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 जोड़ी देखा, तारा सिंह और रश्मि की जोड़ी देखा, लेकिन ये द्विवेदियों की जोड़ी बैठ वाली देखे अरे मारे माल लग रही हूँ मार अरे मैम साहब कहीं तरह की कौन नहीं मरी देशा और मालूम को ले गो पांच रुपया ला तू अबार बच्चो है नहीं ना क्या समझते बहुत पैसे वाली मेरे पास भी सात बीसियां मेरे पास भी सात बीसियां हाँ सात बीसियां है तुम्हारे पास हाँ कितनी होती है सात बीसियां भला इतनी कितनी बोली हो नैना अच्छा ये बताओ तुमने उसे खूब मारा हाँ मैंने उसे बहुत मारा क्यों मारा पर उसने बाबूजी को जो मारा था नैना कोई भी मुझे मारेगा तुम उसे मार दोगी हाँ बाबूजी क्यों बाबूजी ने मुझे मरने से जो बचाया था बच गई हो क्या मतलब उम्र ही ऐसी है इस उम्र में लोग मौत को जिंदगी और जिंदगी को मौत समझते हैं ए बाबूजी ये तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा ये तुम्हारे बाबूजी भी नहीं समझ सकेंगे बाबूजी तो फिर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना फिर मैंने उसे बहुत मारा और फिर मैंने उसका बदला लिया ना तुम क्यों ख्याल रखती हो इतना मेरा सचमुच देवी है हाँ बहुत भोली लड़की है जिया खो गया तो तेरा हो गया मैं कभी तो कभी कैसे जिया खो गया तो तेरा हो गया मैं कभी तो कभी कैसे जिया खो गया
बड़ी सुंदर बनाई हो बाबूजी। हाँ? मैं आपको भी सुंदर लगती हूँ। हाँ नैना, नैना तूने आज बहुत जगह टाइम रखे हैं। हाँ बाबूजी। क्यों? जी बाबूजी। अरे ये सब जेवर तेरे हैं क्या? हाँ बाबूजी। हीरो। हाँ? कमन हीरो, मुझे तुमसे बात करनी है। कमन, तुम्हारे शहर की औरतें मर्दों को किस तरह पकड़ लेती हैं? ये आजकल की सभ्यता है नैना। ओ दिया। हेलो कृष्ण। यस मिस शीला सिंह। मेरी दीदी कहाँ है? यस डार्लिंग, हीरो जिसने लड़की को बचाया था। माय हस्बैंड। अरे दिस है। हेलो मिस शीला सिंह, बियर? नो थैंक्स। हीरो बियर? जी नहीं। शैंपेन लेंगी आप? नहीं। आप शैंपेन नहीं पी? जी नहीं। हीरो विस्की? जी मैं शराब नहीं पीता। तुम शराब नहीं पीते? जी नहीं। कोई ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी? आप कुछ भी नहीं पीते हैं? नहीं। मेरी बीवी तो मच्छी की तरह शराब पीती है। मेरा खामन तो बैरल है शराब का। सचमुच आप तो फरिश्ता हैं। सचमुच आप तो देवता हैं हीरो। ए मिस्टर, चले जाओ। मिस्टर कपूर मैं यहाँ खुद नहीं आया, आपकी बीवी लाई है मुझे। मगर मैं कहता हूँ चले जाओ। ये आपकी जगह नहीं है। देखते नहीं हम ऊंचे दर्जे के पैसेंजर जहाँ बैठे हुए हैं? डार्लिंग ऊंचे दर्जे के पैसेंजर? नो डार्लिंग, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक। नो डार्लिंग, चले जाओ चले जाओ। अगर नहीं जाऊं तो मैं बता दूंगा कैसे जाना चाहिए। बताइए जल्दी, चलो डू इट। हाँ डार्लिंग, गेट अप डार्लिंग, कुछ भी तो नहीं हुआ है। मेरा रिवॉल्वर कहाँ है? कहाँ है मेरा रिवॉल्वर? बस अब गोली मार दूंगा। ये नहीं। हाँ? गोली मार दूंगा। चल। क्या है मान तुम भी? जब देखो झगड़ा तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान बहन है, साथ में माँ है, झगड़ा करता ही रहता है। सुबह से तीसरी बार है झगड़ा कर चुका है। मगर माँ पहले उसने मुझे मारा था। मारा तो क्या हो गया, तेरा उनका मुकाबला? वो बड़े आदमी है। बड़े आदमी तो क्या, हम उनका दिया खाते हैं। पैसे जेब में नहीं अकड़ इतनी, ये तो नहीं हुआ कि जाके उनसे हाथ जोड़ मिन्नत करके मुझे कोई नौकरी दो। ऊपर से मारपीट करता है। नौकरी के लिए बेइज्जती करवाऊं? ये मुझसे नहीं होगा माँ। अच्छा तो फिर क्या होगा? शर्म तो नहीं आती? सब चीज बेच कर तुझे बीए पास कराए कि तू कोई काम कर, ये नहीं बेकार घूम और मारपीट करता फिर। तुम तो हमेशा ही डांटती। अरे क्या हो गया पकड़ी तुझे?
हो बाबू और मैं वो आदमी। कौन आदमी? आप वो ये आदमी और ये है मेरी जोरू। अरे तेरी जोरू? हाँ हाँ मेरी जोरू। तुम यहाँ हाँ बात करो बात करो। ए तुम छोड़ आदमी हम बड़े लोग इधर क्यों आया? हमारी जोरू से बात करता है मारूंगा। मारो बाप। ओ दिया तरो सत्यानाश विदय सारो कत्ती जोर से मारियो मैंने। जोर से लागियो है? हाँ घनी जोर से लागियो है। इधर भी लागियो मैंने तो मैंने तो इधर भी लागियो है। ये बुढ़ी पैसे दे पानी दीजिए। चल को पैसे दे पहले। अरे पीछा ला पहले पानी दो। अरे पैसे दो। चलो 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 भगवान। अच्छा पहले पानी दो। चलो चल को पैसे दो। सज धज निकली नार सज धज निकली ना। सेकंड रहा है थोड़ा पानी पिला दो। बाजी मैं तेरे लिए थोड़ी लाई हूँ। सज धज निकली ना। अंधे हो गए हाथ अंधे हो गए हाथ। अरे बाबू राम राम बाबू जी। अरे राम राम बाबू जी 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 बाबू नैना मेरे भाग में नहीं था बाबूजी मेरे हाथ का पका हुआ खाते। कोई बात नहीं नैना रहते थोड़ी है। चलो उठो उठो। तेरे पैसे तो छेड़ को तेरे पैसे निकाल पानी देने से जय हो सेठ जी। भगवान को स्नान कराना है इसलिए कुछ जलदान हो जाए। अरे भगवान को स्थापित तो करो पंडित जी। मैं खुद स्नान करा दूंगा भगवान को। क्या धर्मात्मा है क्या दानी है। हाँ भैया काला बाजार करने वाले दान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। जय काली शेरवानी वाले सज्जनों। क्या है? भगवान को स्नान कराना है इसलिए कुछ दान दक्षिणा। ये क्या शराब? राम राम राम। माई कुछ दक्षिणा लो पंडित जी। पंडित जी महाराज भगवान को सचमुच स्नान कराना है या आपको प्यास लगी है उसके पैसे चाहिए? भगवान की निंदा। हरे 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 राम। ये क्या हो गया है? घर की सारी चीजें बेच के तुझे दिए पास कराया है। नौकरी तो करता नहीं लोगों से लड़ाई करता फिरता और भगवान का मजाक उड़ाता है। बार बार मुझे ताने मत दिया करो माँ कि तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया। पढ़ा लिखा कर तुमने मुझ पर मेहरबानी नहीं की। तुमने मुझसे बैर कमाया है। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता मुझ में इतनी समझ ना होती और मैं हमेशा इस धोबी की तरह खुश रहता। पढ़ लिख कर मुझ में समझ आ गई है। और मैं पूछता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान जबकि सब लोग प्यासे मर रहे हैं और सेठ पानी बेच रहा है। कहाँ है तुम्हारा भगवान जब इस भोली भाली नैना को गोंडों ने मारा? और कहाँ है तुम्हारा भगवान जब सब कुछ बेचकर तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया और अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही? क्या भगवान भगवान लगा तो नहीं है भगवान नहीं है भगवान। दुखी न हो माँ। देखो ना नौकरी तो करता नहीं। नौकरी करता नहीं कि उसे नौकरी मिलती नहीं।
जो दुख तुम्हें है ना कि उसे नौकरी नहीं मिलती और विमला का ब्याह कैसे होगा, यही दुख उसे भी सता रहा है। मगर सच मानना माँ, उसे कहीं भी थोड़ी सी उम्मीद नजर आई तो भगवान में उसका विश्वास लौट आएगा और वो हमेशा हंसता खेलता नजर आएगा। माँ उसे दिलासा दो, माँ दिलासा दो। बाबूजी हीरो आ रहा है, हीरो। मुझे माफ कीजिए बाबूजी। क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ ना। माँ से झगड़ा करते हो, भगवान को गाली देते हो, नहीं जाती, जाओ। ओहो, तुम्हारी जान बचाकर तो मैं मुसीबत में आ गया हूँ। ये लेख तो विधाता ने लिखा था जी। विधाता ने ये भी लिखा था कि तुम मेरा सर खाओ। अब जाओ यहाँ से। माँ ने थप्पड़ मारा था तो क्या हुआ? कौन इतने बड़े हो तुम? चलो माँ को मना लो। देखो माँ रो रही है, चलो माँ को मना लो। उठो ना, मना लो, उठो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु जय भगवान। क्यों पंडित जी महाराज, दक्षिणा मिल गई ना आखिर? वाह, आजकल भगवान भी ऐसे पापियों से खुश होते हैं। राम काहे? पापी? पापी तो तुम हो सेठ जी, पर तो भगवान की बड़ी दया है। वाह पंडित जी, लो चार पैसे, कल्याण हो। अरे बाबू जी, आजकल भगवान भी खुशामत से बहुत खुश रहा है, तब हम तो सारी की सारी लक्ष्मी सेठ जी की तरफ भेजते हैं। हाँ भैया ठीक कहते हो, भगवान पहले की तरह नहीं रहा जो गरीबों को सुना करता था, आजकल तो भगवान भी बदल गया है। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई, इंसान कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। आई बोले शैतान। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई, इंसान कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान। ठीक है भगवान, बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। उन्हीं की पूजा प्रभु को प्यारी, जिनके घर लक्ष्मी की सवारी, जिनका धंधा चोर बाजारी, उन्हीं से खुश है हारी। हमको दे भूख और बेकारी, इनको दे वरदान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई, इंसान कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। सुनकर इस पापी को तानो, सुनकर इस पापी को तानो, बदल न लीजो अपनो ठिकानो। हे भगवान मारो थारो प्रेम पुराणो, मारो थारो प्रेम पुराणो, हम है थैले तुम हो खजानो। भरते रहियो दास की झोली, देते रहियो दान, तुम्हारी जय जय हो भगवान, तुम्हारी जय जय हो भगवान। कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। धन वाले है बड़े मछंदर, सोने के बनवाए मंदिर, भगवान रहते इनके अंदर, खरी खरी कहता है बलंदर। जावे बंदर बन बैठा है इस दुनिया में, धर्म से धन बलवान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान।
देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। जय भगवान, जय भगवान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान, जय भगवान। हरे राम, हरे राम, हरे राम। आप लोग भी कहिए। भैया जी बुड्ढा बेवजह। हे भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना भगवान। क्षमा है हर किस महीने, भगवान की चक्की धीरे धीरे पीसती है, मगर हर किस महीने, भगवान की चक्की धीरे धीरे पीसती है, मगर बड़ा ही बारीक पीसती है। नहीं नहीं पंडित जी, दया कीजिए। भगवान इसको तो जड़े पीस देना, मगर जल्दी से पीसना। अरे सेठ जी, वो बिल्कुल बच्चा है, बच्चा है। अच्छा दक्षिणा ले आना। दक्षिणा? क्षमा कर दो भगवान, लीजिए रख दो क्षमा। भगवान मेरे बाप जी पर दया करना। सुनिए, मुझे लोग तंग कर रहे हैं। कौन तंग कर रहा है? कोई आवारा लड़के। मेरे साथ आप कुएं तक चलिएगा, मुझे पानी पीना है। मैं पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं बेटी, पैसों क्या बात है, तुम मेरे साथ चलते बैठो, मैं तुम्हें पानी मंगवा देती हूँ। शुक्रिया। आओ। जा जा जा। आ जा रही हूँ। अरे वो है ना, वो लड़की जो माँ के पास बैठी है, उसके लिए कुछ पानी लाना है और पूरी। उसके लिए क्यों? उसने तो बाबूजी को थप्पड़ मारा था। लेकिन माँ ने कहा है। चलो ना मेरे साथ। अब बेटा तुम लोग तो बड़े आदमी हो, और तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े आदमी होंगे। मेरा एक लड़का है पढ़ा लिखा, उसकी नौकरी नहीं है, उसे बेटा कहीं नौकरी दिलवा दो। मैं कोशिश करूंगी। अरे तुम कोशिश करोगे तो जरूर हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी बेटी। कितना पूरी चाहिए? 16। आज 4 रुपए ना जी। 4 रुपए आ गया। अरे पीछा निकाल, पीछा झगड़ा हो रही है। दे दे। अरे भर दो ना। बेटे को बोलो ना। नहीं मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा थोड़ा तो खाओ। नहीं मुझे भूख नहीं है। जरा इन्हें वाकई भूख नहीं होगी माँ, नहीं तो जरूर खा लेते। अच्छा यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी, साथ नहीं ये जानी। बाबूजी, बाबूजी, वो लड़की है ना जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, वो माँ के पास बैठी और उसके लिए 4 रुपए की पूरी और 1 रुपए का पानी मंगवाया। तुम्हें माँ ने बुलाया। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ हाँ ठीक है। मुझे सिर्फ पानी दे, बिमला पानी। शुक्रिया। तो बेटा वो राम की नौकरी की बात मत भूलना, बड़ी मेहरबानी होगी। राम तेरी ये नौकरी। छोड़ो उस ग्लास को। आप तो पैसे वाले हैं ना, तो जाइए पैसे वाले के पास, वहां जाके बैठिए। यहां क्यों आई हैं आप? जाइए। मेरी नौकरी के लिए तुम किसी के पांव को हाथ लगाओ मां, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मां।
ऐसी जिल्लत से मुंह को मर जाना अच्छा है। राम बस बस है, तू ठीक कहता है, मैं क्यों किसी के पांव पड़ूं, मैं क्या किसी से कम हूँ। चल कुछ खा ले राजा बेटा, बैठे। बिमला पूरी कहाँ है? कभी जी आप भी आइए ना। मैं कैसे खा सकता हूँ माँ? मैं खिला दूंगी। हाँ हाँ ले पूरी दे, पहले पानी पी ले। बस चल मैं खिली। हाँ अंधेर नगरी की राजकुमारी, कुमारी इंदिरा। मुझे मारने लगे और ये मोटे पेट वाला दिन दहाड़े तुम सबकी जेब काटता है, कुछ नहीं कहते। अरे बरखुरदार, ये कानून की आड़ लेकर जेब काटता है और तुम कानून को हाथ में लेकर, ये बच जाएगा और तुम मार खाओगे। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा जी ने कुछ हाथी और कुछ घोड़े हैं पाले, इन्हें न कोई फिक्र न चिंता, ये है महलों वाले। इनके राज में पड़ गए हमको अपनी जान के लाले, दोनों हाथों लूट रहे हैं काले धंधों वाले, जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। दस्त न हो तो श्रीमान जी अर्ज सुनो एक मोहरी, कौन नगर से आए हो तुम, कौन जात है तोहरी। इनका गोत ना पूछो भैया, इनकी जात ना पूछो, कैसे कटते हैं इन लोगों के दिन रात न पूछो। किसी कौम या किसी देश के वो ये रहने वाले, इन जैसों की नस्ल एक है, गोरे हो या काले। बाहर से है रूप अलग पर अंदर से एक जैसा, दांत है सोना गोत है चांदी, धर्म है इनका पैसा। होए धर्म है इन...
इनका पैसा होए, धर्म है इनका पैसा होए, धर्म है तेरा पैसा। अरे चुप मारी तो सुनो भाई, मारी तो सुनो। कालो धंदो जो कर तो हो उसका सत्यानाश, मैं हूँ सारे जग का सेवक, मैं हूँ शव का दास। आनो देकर पानी ले लो जिसको लगी हो प्यास, मैं ना पूरी तलू तो बोलो खाओगे कहीं घास। हर माल सस्ता, हर माल ताजा, हर माल ताजा। भाग यहाँ से और किसी पर डालिए अपना जाल, जान चुके पहचान चुके हम हर एक तेरी चाल। बाबा पानी बेच के पुण्य कमाए तो हरे माँ के लाल। चाल कैसे चाल, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। सुनो हमारी बात ओ बंधु, छोड़ो ये तकरार, इस संसार में हर वस्तु का होता है व्यापार। आटा दाल और चावल बेचे सारे साहूकार, जड़ी बूटियां शरबत बेचे वैद हकीम अतार। बल बेचे बल वान जगत में शर बेचे शरदार, अमन की रक्षक तो में बेचे जहरीले हथियार। तो फिर मैंने पानी बेचा तो क्यों इतनी हाहाकार, मैंने जो पानी बेचा तो क्यों है इतनी हाहाकार। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर सरकारी खुशी को तो मत तोड़ो। स्टेशन मास्टर कहाँ है? मास्टर आप बुला के लाता। मालूम होता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। देखिए मेम साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैं राजा साहब की बेइज्जती थोड़े कर रहा था, मैं तो असली रूप में उनका परिचय करा रहा था। आपकी जबान बहुत चलती है मिस्टर। ठीक तो है, गरीब की जबान चलती है और अमीर के हाथ, याद है ना? अभी तक हाथ चले कहां है, चलेंगे शायद। मतलब? मतलब तब पता चल जाएगा जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होगी और तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे वाह वाह मेम साहब, शुक्रिया। नौकरी ना होने की वजह से मेरी माँ पहले ही मुझ पर चिड़ी हुई है और बेकारी से मैं भी कुछ तंग आ गया हूँ। जेल में दो रोटियां तो आराम से मिल जाया करेंगी। चक्की भी पीसना पड़ेगी। फिर तो और भी ठीक है, काम भी मिल जाएगा। मेम साहब अगर कर सकती है तो ये मेहरबानी मुझ पर जरूर कीजिएगा। ये क्या कुर्सी रखने की जगह है? मैं तो कुर्सी वहां रखता हूँ, यहाँ कैसे चल जाती? तुम जगह है। ये इन साहब की मेहरबानी है, महाराजा साहब की तस्वीर ले जाते हैं उनकी बेइज्जती करने के लिए। आप कहाँ थे उस वक्त? जी, मैं धमकी तो आप ऐसे देती हैं जैसे आप ही राजकुमारी हूँ।
बाबूजी आपको सिग्नल। अच्छा आर ई डब्ल्यू ए आर डी रिवार्ड 1000 10,000 इनाम। राजकुमारी गायब। आपको कैसे मालूम हुआ? मिम साहब आपने मुझे बुलाया था ना? अरे क्यों यंग मैन, क्या बात है? बाबूजी राजकुमारी मिल जाए तो 10,000 रुपया। चल पगले, यहाँ पर राजकुमारी क्यों आएगी जंगल में? राजकुमारी मिल जाए तो 10,000 रुपया। राजकुमारी मिला दे 10,000 दिला दे रुपया 10,000 दिला दे। पागल हो गया लगता है। क्यों मैं अखियां डाल के हो भैया, क्यों मैं अखियां डाल के। माँ 2 रुपए दो, 2 रुपए। हाँ? 2 रुपए कितने? 2 रुपए के 10,000 बनेंगे माँ, जल्दी करो। हाँ? ये 10,000 कैसे बना रहे हो? किसी को बताना नहीं माँ, जल्दी निकालो माँ। पर बेटा मेरे पास 5 रुपए थे, वो तो खर्च हो चुके। खर्च हो गए? अच्छा माँ मैं बंदोबस्त करता हूँ। मेरे सुनो भाई साधु, नैन मर हर लिए अखियां मिला के, नैना मिला के, अखियां मिला के, नैना मिला के, हो राम नैना मिला। क्या बात है कभी, इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं माँ। वो लड़की थी ना, वही जिसे आप पूरियां खिला रहे थे। हाँ, हाँ। वो यहाँ की राजकुमारी है। राजकुमारी? राजकुमारी देख लिया ना माँ, पैसे मिलने की उम्मीद से ही राम कितना खुश है। हे भगवान, ये 10,000 मिल जाए तो मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, कभी मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। हे भगवान, हे भगवान। सेठ जी मुझे 2 रुपए चाहिए। काई जाओ, काई मकाई गई हुई हूँ। अच्छा सेठ जी आपके 30 मेरे 70, मारे 40 में सारे 60, मंजूर? हाँ मंजूर है। शाबाश, तो दीजिए 2 रुपए। 2 रुपया हमारी रकम की जमानत कहीं? अरे भाई मेरा और आपका तो हिस्सा है। अरे हिस्से हुए तो कहीं हो, पेशा लेने भाग गए तो फिर। अच्छा बाबा ये मेरी घड़ी है, ये आप घड़ी ले लें। आप बात बनी ना, निकालो 2 रुपए। याले 1 रुपया 4 8 12 14 रुपया 14 आना। अरे मैंने तो 2 रुपए के लिए कहा था। अरे तो आना ब्याज का हो गया, माथा मत खा। पले तारो ध्यान किधर है? अरे मारी कारीगरी तो देख, 2 रुपया में 100 रुपये को माल। लथर हाथ में बांध दो। कहीं गलती हो रही है या तो पाकिट की है? ले संभाल के रख ले। शाबाश। राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, 10,000 दिला दे, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, 10,000 दिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे। किसी की कोई चीज गुम गई हो
किसी की कोई चीज गुम हो गई हो तो बता दो हम दे देंगे, किसी की कोई चीज गुम गई हो बता दो हम दे देंगे, किसी की कोई चीज चले जाना यहाँ से, तुम क्यों कर रहे हो? मैं तो गाना गा रहा हूँ मेम साहब, अगर आपको पसंद ना हो तो खिड़की बंद कर लीजिए, मैं तो गाऊंगा। किसी की कोई चीज गुम हो गई हो क्या हो जाता है मेम साहब आपको, मैं तो आपको चश्मा देने आया था। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? हटाइए माफ किया आपको। मुझे भी माफ कर दीजिएगा। काई बात कर रहा हूँ यार। ओह काई को देर लगा रहा है। काई मैंने आज तक बैठे को नहीं आया आज आया काई। नहीं तो नहीं जाओ बैठा। काई तो जल्दी। पूरी तो भाई। काई ये बात है सेट अप में तो बात कर रहा है। हाँ पूरी काई है। अरे आठ पूरी देना। आज पूरी पीछा है। आठ पूरी। अरे तुम पूरी तो दोनों खा लेना पहले। अरे काई गड़बड़ है। पैसा तो पास में है। कौन ही पूरी मांग रही है? अरे मेरी घड़ी तो तुम्हारे पास है ना? हाँ हाँ घड़ी आ लिया था तो उसके पास में दे दो ना। तभी आज पड़ेगा ले लेना और रुपया पे चार आना मंजूर। जल्दी आठ पूरी बांध खाई कर रहे है। जल्दी करो पूरी तो जल्दी पूरी दो भाई पूरी दो भाई पूरी दो भाई चार रुपये आठ आना हो गया। आप खाइए वो दैया तुम्हारे शहर में मर्द औरतों का झूठा खाते हैं जी। और ले आऊं? तुम भी खाओगे? नहीं भैया घर के खाने से इतना लुत्फ नहीं आता जितना इस खाने में आ रहा है। अब वाकई आपको भूख लगी है। देखा आपने खाने के लुत्फ का ताल्लुक तरने वालों या रूखी सूखी रोटी से नहीं भूख से। भगवान ने आप अमीरों को खाने को बहुत दिया है मगर भूख गरीब को दी है ताकि खाने का मजा ले सके। अजब रंग है भगवान। ये लीजिए बाबू। बाबूजी तुम्हारी उस लड़की से सुलह हो गई? हाँ नैना। बाबूजी मगर उसने तो तुम्हें थप्पड़ मारा था। ठीक है नैना तुम नहीं समझती हो। बाबूजी क्या बात है बोलो। घर मत खाओ नैना। अब पानी पियेंगे। चलिए चलो पैसे सेट दो। पानी देना। हाँ सर। अरे अरे काई कर रहा है गिलास को झूठो कर रही है काई। हाथ से पी हाथ से। हाथ से? हाँ हाँ ऐसे ऐसे नहीं यहाँ देखिए ना ऐसे। अरे भाई हटो ना हमको भी पानी लेने दो। अरे जल्दी करो बाबू साहब गिराकी को टाइम है। अच्छा अब पानी डाल। डाल भाई डाल जल्दी डाल पानी। पानी तो पी नहीं रही बाबूजी का हाथ काट रही। नैना मैंने क्या किया है जी बाबूजी ने मुझको डांट दिया। वो पानी तो पी नहीं रही थी बाबूजी का हाथ काट रही थी।
तुम बहुत भोली हो। बाबूजी इतना बदल क्यों गए जी? पैसा बहुत बड़ी चीज है नैना जी। तेरे बाबूजी को पैसा चाहिए। वो लड़की बाबूजी को पैसा देगी? हो सकता है। सात सौ पंद्रह, पंद्रह सौ दस, पच्चीस सौ दस, पैंतीस सौ पांच, चालीस सौ पांच, पैंतालीस सौ पांच, पचास, सात सौ पचास। अरे अरे तुम है ना फुकट में पड़ गई। अरे वाह वाह वाह, एक दो तीन चार पांच, या पांच मुनाफे को घरियाल कहते हैं। या सौ रुपये घरियाल, एक सौ पांच तो दिन को मुनाफा, अभी तो रात बाकी है। अरे मैं सच कहता हूँ, तू तो लक्ष्मी है लक्ष्मी। वाह वाह गजी नसीबदार है, मैंने तो तीसरी जोरू फंडी है। ये घड़ी जुबान, अरे अरे ये घड़ी तो बाबूजी की है। अरे मारी है मारी, रोकड़ो दियो रोकड़ो, बाबूजी की है, ले भगवान राख ले। अब नहीं चला जाता। उठा लो। उठा सकोगे? उठा लो। थक गया। लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। मैं अभी आता हूं। क्या है नैना, तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। कुछ भी तो नहीं, मैं तो जल्दी कहो ना क्या कहना चाहती हो। ये पैसे लाई हूं, सात पिसिया है। जाओ ना, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? मगर तुमने तो घड़ी सेठ को दी है। वो और बात है ना। और क्या बात है जी, कभी कहता था वो लड़की तुम्हें पैसा देती है, मुझसे ले लो ना जी। वो लड़की तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी। सर मत खाओ ना, अब जाओ यहाँ से। बाबूजी अब वो लड़की तुम्हें अच्छी लगती है? सवाल पूछ पूछ कर तुमने मेरा नाक में दम कर दिया ना। जाओ यहाँ से, जाओ ना। बड़े खुश नजर आते हो दोस्त। अरे कवि, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। वो राजकुमारी है ना, वो मुझसे ये तुम्हें बहुत पहले से ताड़ चुका हूं। अच्छा, अब मैं भी एक खुशखबरी सुनाऊं। नैना तुमसे प्यार करती है। अरे नैना को राजकुमारी से मिला रहे हो? मैं कहां मिला रहा हूं, मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नैना राजकुमारी से कहीं बढ़ चढ़ कर है। तुम्हारे लिए होगी भैया, मगर हमारे लिए तो कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां गंगू तेली। राजकुमारी हमसे प्यार करे भैया, ये तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इसे तुम खुशकिस्मती क्यों समझते हो भाई? अरे नौकरी मिल जाएगी, बहन का ब्याह हो जाएगा, सब मुसीबतें टल जाएंगी। मोहब्बत कर रहे हो या सौदा? इसमें सौदे की क्या बात है, देख ही तो रहे हो कि पैसा ही जिंदगी है, पैसा इज्जत है, पैसा सब कुछ है। तो फिर तुम दो और दो चार कहने लगे। राम, राजकुमारी के प्यार में एक हिर्स है और नैना के प्रेम में पवित्रता, त्याग। अगर त्याग ही करना हो ना भाई साहब, तो इंसान हमारी एक चोटी पर चला जाए।
ये दुनिया पैसे वालों की है, यहाँ पैसा चाहिए भैया। तो तुम राजकुमारी को इसलिए प्यार कर रहे हो कि वो दौलतमंद है, और नैना के प्यार को इसलिए ठुकरा रहे हो कि वो गरीब। मगर याद रखो राम, जीत एक दिन गरीब की होगी। वो एक बहुत बड़ा दिन होगा भैया, और मुझे दिली खुशी होगी। बहुत देर लगा जी। हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ? कहीं और चलते हैं। बाबूजी तो मुझसे पैसा नहीं ले। हाँ नैना, मैं तो 7 बीसियां लेके गई थी। अगली 7 बीसियां होता कितना है? उसे तो हजारों बीसियां चाहिए। 1000 बीसियां कितना होता है जी? जमीन से आसमान तक, और उसे वो लड़की दे सकती है। तब तो बाबूजी मेरे नहीं होंगे, वो तो उस लड़की। हाँ नैना, आजकल तो मोहब्बत भी खरीदी जाती है। चाहत भी व्यापार बनी, दुनिया के बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी। तेरे दिल से उनके दिल तक चांदी की दीवार बनी। हम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं। हम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं। जिसने हमको जन्म दिया वो पत्थर है भगवान नहीं, वो पत्थर है भगवान नहीं, वो पत्थर है भगवान नहीं। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। इस दिल को शायर का दिल शाद है, हमारी तरह भगवान का घर भी सूना और बर्बाद है। वाह वाह कवि जी, वाह 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 वाह। देखा भगवान, ये नास्तिक लोग कहते हैं थारो घर बर्बाद है। मैं सच कहता हूँ मुरारी, जो गाड़ी 24 घंटे और इधर मुकाम कर जावे तो मैं थारो पक्को मंदिर बना दूंगा, पक्को मंदिर। क्यों पंडित जी? वाह वाह वाह। भगवान सेठ जी की बात मान लो, तुम अपना घर बनवा लो। क्या मजाक कर रहे हैं कवि जी, यहाँ तो पहले ही अपनी जान के ऊपर बनी हुई है। अगर गाड़ी 24 घंटे और रुक गई तो हमारी तो यहाँ से लाश ही नाती नजर आएगी। हम लोग तो रो पीट के गुजारा कर ही लेते हैं, अरे भगवान का घर तो बन जाएगा। मैंने तो पूरी गाड़ी में एक ही समझदार दिखे। भगवान हम सब तो मूर्ख है, तुम सेठ जी की बात मान लो, अपना घर बनवा लो। बोलो भाई सेठ नसीब चंद जी की जय।
अरे भाई बोलो ना, सेठ नसीब चंद जी की जय। Bhajo Ram, Bhajo Ram, Bhajo Ram, Bhajo Ram, Bhajo Ram, Bhajo Ram, Bhajo Ram.
है झूम झूम कर जरा झूम झूम कर जरा झूम झूम कर दूसरों के साथ नाच करना मुझे पसंद नहीं है। ज़ालिम, सजा पहले देते हो, जुर्म बाद में बताते हो। चलो अच्छा ही हुआ, ये तो पता चला कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। देखो तुझे कितनी जोर से मारा तुमने मुझे। बीती जा रही है, पता भी न चला। राम, मेरा हाथ पकड़ के छोड़ तो नहीं दोगे? मैं? हाँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम? मैं तो कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वादा रहा। एक बात कहूं तुमसे, खफा तो ना हो जाऊं? तो फिर न कहो, कहनी तो पड़ेगी। अच्छा, तो जल्दी से कह। डरता हूँ कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। तो कुछ और बात कहो। मैं जानता हूँ कि तुम राजकुमारी हो, और मैं महाराज साहब को तार भी भेज चुका। ये तुमने क्या किया? गलत ना समझो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों के लिए? तब तो हमारे दिल अपने अपने बस में थे। कभी भी आते होंगे? हाँ। ओ, तुम्ही से सपने बांधे थे और तुम्ही ये तोड़ दिए, अब क्या करें? मुझे क्या पता था कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि राजकुमारी मुझसे मोहब्बत करती है। राम, चलो यहाँ से भाग चले। कहाँ? जल्दी से रियासत के हाथ से बाहर। मगर मेरी माँ और बहन? उन्हें भी साथ ले चलेंगे। भाग कर जाएंगे भी कहाँ, मेरे पास नौकरी तो नहीं। मैं अपनी बहन का ब्याह नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। अगर है तो भूख, अपलास, बेकारी और नाकामी। मुझे मोहब्बत करने का हक ही क्या है? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और शायद मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मगर इसका अंत क्या होगा? जुदाई, नाकामी, और कुछ भी तो नहीं। जरूर मना लेना, उसकी सब उम्मीदें पूरी हो जाएगी। तुम्हारी बहन का ब्याह हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ, अच्छा चलो। नैना, क्या कर रही हो? दुखी जिया भगवान के चरणों में ही सहारा लेता है। कवि, आपका लेख विधाता जन्म से लिख देते हैं ना? हाँ नैना। तो फिर जिया दुखी क्यों होता है जी? इसमें तुम्हारा दोष है नैना। मेरा दोष? हाँ। प्रेम करके प्रेम पाने की इच्छा कर रही हो ना? तो मैं क्या करूं? कर्म करो, फल की इच्छा ना करो नैना। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नैना, सिर्फ अपने आप को समझाने की कोशिश करो।
ये मुझसे नहीं होगा। सच्चे प्रेम में त्याग तो करना ही पड़ेगा ना नैना। नहीं नहीं नहीं। तुम चलो, मैं इंतजार करता हूँ। मैं जाती हूँ। कहाँ मैं ना? वो आ रहे हैं, उधर के बाबूजी के साथ, उसे सहारा दे जाता हूँ। कमजोर ना बनो नैना। मैं रो दूंगी कभी। तुमने अभी कहा था ना कि भाग्य का लेख विधाता जन्म से ही लिख देते, इसे समझने की कोशिश करो नैना। तुम क्या चाहते हो? त्याग नैना, नहीं तो तुम्हारा प्रेम कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं रो दूं तो मुझे छिपा लेना। मैं नहीं चाहती कि बाबूजी मेरे आंसू देखें। अच्छा, अरे भाई रात के 3 बज गए और तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो। तुम भी तो जाग रहे हो, पर सिर्फ इतना है कोई खुश होकर काटता है और कोई रोकर गुजारता है। कभी तुम हमेशा मुझे ताने देते रहते हो। मैं तुम्हें ताने देता हूँ राम? अच्छा कभी जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बात करना है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम नैना से छुपा कर कहना चाहते हो? कहो ना। बात यह है कभी कि मैंने और इंदिरा ने ब्याह करने का फैसला कर लिया है। कब? अभी? तुम्हारा ब्याह हो रहा है? ये तो खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है ना कभी? जाओ जाओ राम, माँ से तो इजाजत ले लो। जाओ ना, माँ से इजाजत लो, जाओ। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नैना, नैना। क्या राम तंग करता है? माँ, मैं राजा बनने वाला हूँ। क्या क्या पागलों की बात करता है राजा? माँ, वो जो राजकुमारी है ना, वो मुझसे शादी करना चाहती है। अरे है शादी? हाँ राम, तो सचमुच राजा बनने वाला है? हाँ माँ, फिर हमारे पास बंगले होंगे, मोटरें होंगी, कारें होंगी। अरे माँ, मैं नहीं, ये मैं सपना देख रही हूँ। सपना? अरे सुनो माँ, उठो। सपना नहीं सच है। मेरे पास मोटरें होगी, बंगला होगा। हाँ माँ, तो आगे दे दो। हाँ दे दिया, आ गया, दे दिया, आ गया। तो करो ब्याह की तैयारी। हाँ करो करो करो। हाँ तो उठो ना, जल्दी करो। उठो, क्या करूँ जल्दी? ब्याह की तैयारी। हाँ तो बेटा ये घर पहुँच के होगा ना? अरे नहीं माँ, अभी होगा, यही ब्याह होगा। यहाँ ब्याह होगा? हाँ। ये कैसे हो सकता है बेटा, लड़की को भगा कर तो नहीं लाए हैं? तो दूल्हा बनेगा, बारात चढ़ेगी, लड़की का बाप कन्यादान देगा, आखिर बारात किसके घर जाएगी? मेरे घर में बारात आएगी, मेरे बाबा कन्यादान करेंगे, मेरे घर में ब्याह होगा। नैना, कवि तुमने तो कहा था त्याग, मेरे दर पे तो बारात आएगी, मेरे बाबा कन्यादान करेंगे, मेरा न सही। नैना, अच्छा नैना बिमला को ले जाओ और इंदिरा को तैयार करो। जाओ नैना, जाओ जाओ जाओ। एक बात याद रखना मेरे भाई, जब मोटरों में बैठो और तुम्हारी मोटर के सामने लाल बत्ती हो और तुम्हारी हिफाजत के लिए आगे पीछे पुलिस हो, तो ये कभी मत भूलना कि तुम भी हम त्रिशंकुओं में से एक हो। नहीं जी, मैं लड़ने नहीं आई, मैं तो तुम्हें ब्याह के लिए तैयार करने आई हूं। आओ ना विमला। माता जी मान गई? माता जी ने इनकार ही कब किया था? चलो ना जी, तैयार हो जाओ जल्दी। कहाँ चलना होगा? मेरी कुटिया में। ब्याह तुम्हारे घर होगा? मैं जानती हूँ मेरी कुटिया तुम्हारे योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी। नहीं नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ? तकलीफ? बाबूजी का ब्याह मेरी कुटिया में हो ये तो मेरा सौभाग्य है, फिर तकलीफ का है? देखो ना विमला कि क्या कह रही हूँ। हाँ हाँ, नैना को भैया के ब्याह की बहुत खुशी है। अरे पगली,
बाबूजी के ब्याह पर मैं खुश ना हूँ। चलो जी तैयार हो जाओ जल्दी। ब्याह पर कौन सा जोड़ा पहनोगी तुम ही बताओ। तुम बता बिमला। ये अच्छा है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो अच्छा तुम दोनों ये पहन लो जी। हाँ हाँ पहन लो ना, तुम पहन लो बिमला। और तुम, हम गरीबों को ये कपड़े क्या अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं बहुत अच्छे लगेंगे, पहन लो ना। नहीं मेरी बात नहीं मानोगे। नहीं जी देखो मेरा दिल ना तोड़ो। अच्छा जाओ ना कपड़े बदल लो। लो कवि। माँ इसमें तो रेत है। हैं? हाँ माँ है रेत। अच्छा तो छूट दो। मत खाओ उसमें मिट्टी मिली है। मैंने एक की जेब काटी तो तुम सबने मिलकर मुझे मारा, और वो मोटे पेट वाला तुम सबको ये मिट्टी खिला रहा हूं कुछ नहीं कहते। भैया जी मुझे क्या देखते, चलो 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 तैयार हो निहाल चंद। हाँ नसीर चंद। यो काई गड़बड़ है। अरे होगा कुछ गड़बड़ रहा होगा। लोग मारपीट के लिए आ रहे हैं। हाँ तो तू भाग जाए यहाँ से। भाग 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 तू भी अरे निहाल चंद। हाँ नसीर चंद जी, ये लोग तो इधर कोई आता दिख रही है मैंने तो। ऐसा मामला है। अरे बाप अरे भैया बाकी को आदमी कटे हैं। अभी बुलाता हूँ मैं, अभी बुलाता हूँ। काई तू तो ठहर। जेठ जी अभी बुलाता हूँ मैं। अरे बाप ये भैया भी गए। अरे निहाल चंद जी फिर कटी ले रहा हूँ। अरे बाप हमारे काई होए को। कभी राम इस लड़ाई में जरूर होगा। नहीं माँ राम पैसे के फेर में पड़ चुका है, अब वो आराम से होगा। मरी में मिट्टी मिलाता और पूछता है काई बात। अरे हमारी बात तो सुनो। सुना हमारी बात तो सुनो। बोलो आदमी पूरो मट्टी को बनो है कि नहीं। हाँ बनो है कि नहीं। तो फिर पेट में थोड़ी सी मट्टी चली गई तो कायम हुए हो कायम। तो आ भाई उसको भी मिट्टी में मिलाए। अरे अभी नहीं रोती है तू तो कहीं समझे मने मार पड़ी है। अरे थारी नजर में मैं बुड्ढो देख रही हूँ, पर या तुम्हारी तो बदमाशी भी है। तू उधर होती तो मारो कमाल देखती, मैं भी दो आदमी का। ओह काई नहीं एक पड़ी है एक तो खून गया है। तो यो काई मारो थोड़ी है सब उनको भी मिक्स हुई क्यों है। अठे अठे भी एक पड़ गई है रकम बचाने के वास्ते। या देख मैं भी अट्टी में से रकम नहीं छोड़ी। अरे भाड़ा बाप तने तो रकम की बड़ी मने तारी बिगड़ बड़ी है। अरे काई बात करे चमड़ी जाए पर तमड़ी नहीं जाए।
या देख कत्ती रकम है, मारो इलाज तो दुई पैसा की हल्दी में हुई जाएगो, जा जल्दी से हमारे पास से हल्दी लिया, थोड़ो गर्म पानी भी और शेकने का बंदोबस्त कर दे। ऐसी तो है, क्या फर्क है? भाग्य, एक धनवान है दूसरी त्रिशंकु और नैना गरीब। बाजी, ये लेख तो विधाता ने लिखा है। विधाता ने नहीं नैना, विधाता ने तो तुम तीनों को एक जैसा बनाया है, अमीर गरीब तो इंसान ने बनाया है। अच्छा अच्छा जी, चलो। पंडित जी, तो आरंभ कीजिए। जी हाँ,
ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमहे। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः। महाराज अधिराज ब्याह से पहले आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। चलिए। महाराज जी राज पहले आपसे मिलना चाहते हैं। पधारिए। बच्ची तुम्हें फिर से पाकर हमें बहुत खुशी हुई। इसी तरह ना जैसे शिकारी जाल से निकले हुए पंछी को फिर से कैद करके खुश होता है। ओ, तो तुम हमसे नाराज हो? नाराज तो हमें तुमसे होना चाहिए कि हमारी इज्जत की परवाह किए बगैर तुम महल से चुपके से निकल आई। और अब आपकी इज्जत बचाने के लिए ही मैं अपने ब्याह मंडप से आपके सिपाहियों के साथ चली आई हूँ। तो तुम्हारा ब्याह हो रहा? नहीं तो हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम हो जाते। हम अपनी इकलौती बिटिया की शादी में भी शरीक न हो पाते। तो फिर चलिए हमें आशीर्वाद दीजिए। मगर बिटिया हमें इतना तो बता दो कि आखिर हम अपने जिगर का टुकड़ा किसके हाथों सौंप रहे हैं? आप जानना क्या चाहते हैं? क्या नाम है? राम। राम जी, हमारे पास जो तार आया था उसमें भी शायद यही नाम था। जी। तो तुम जानती हो कि तार उसी ने भेजा था? जी। क्यों भेजा था? तब हमारे मैं समझा तो उसे तुमसे तब प्यार हुआ जब उसे ये मालूम हुआ कि तुम राजकुमारी हो। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि वो तुमसे प्यार करता है या राजकुमारी से। मैं खूब समझती हूँ आपका मतलब। आप सोचते हैं कि वो मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हैं। खुद अपनी बेटी की तोहिन कर रहे हैं। तोहिन नहीं कर रहा बिटिया, सोचता हूँ जवानी जज्बात के रौ में बह जाती है और बुढ़ापा अकल से काम लेता है। ठीक समझो तो बुलाकर पूछूं? बेशक, मगर देखिए अगर आपने धमकी देकर अपनी बात मनवाना चाहिए तो मेरी लाश ही पाइएगा। हम क्यों धमकी देने लगे? अगर तुम्हें विश्वास न हो तो खिड़की के बाहर खड़ी रहकर अपने कानों से सुन सकती हो कि तुम्हारा राम कैसा है। आपका अंदाजा गलत होगा। हमें सचमुच खुशी होगी। राम! आओ आओ। ही नाम है ना? जी। वो तार भेजकर तुमने हम पर बहुत एहसान किया। जी नहीं, तुम्हारी मदद से हमें राजकुमारी मिल गई। ये रहा तुम्हारा इनाम। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। हम इस इनकार का मतलब नहीं समझे। जी,
मगर अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपसे बाप की शफकत चाहिए। ओ, हमसे बड़े फूल हुई, तुम तो इससे पहले कहीं बड़े इनाम पर कब्जा कर चुके हो, अब इन 10,000 रुपयों की हकीकत ही क्या है जी? आपका मतलब? यही कि दिल की दौलत से बढ़कर और कौन सी दौलत हो सकती है दुनिया में। अच्छा राम, ये तो बताओ करते क्या हो? जी अभी तक तो कुछ नहीं करता, उम्मीद है जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी। और अगर मिल गई तो कितने तक की? मेरा मतलब है तनख्वाह वगैरह का कुछ अंदाजा है? जी यही कोई 50-60 रुपए माहवार। मगर इतने में तो गुजर होनी मुश्किल है, और फिर राजकुमारी से शादी कर रहे हो, इतने रुपए रोज का तो उसके फूलों का ही खर्चा है। बुरा ना मानना राम, हम तुम्हारे भले की ही कह रहे हैं। अच्छा राम, अगर शादी के बाद हम तुम्हें एक अच्छा सा ओहदा दे दें और मोटर बंगले वगैरह का इंतजाम कर दें ताकि तुम सुख से रहो, तो तुम्हें इतराज तो ना होगा? जी इतराज होगा। जी इतराज क्यों होने लगा, आखिर राजकुमारी का सुख तो देखना होगा। खैर सुख तो दोनों का ही देखना होगा, क्यों ठीक है ना? जी हम पूछते हैं, इस बात में तो शक नहीं कि तुम राजकुमारी को बहुत चाहते हो? शायद दुनिया की हर चीज से ज्यादा। बेशक, मगर उस वक्त तो नहीं तो तुमने हमें तार भेजा था? जी तुम एक शरीफ नौजवान हो, शरीफ खानदान से हो, एक बार इंसानियत की कसम खाकर इतना बता दो कि तुमने राजकुमारी को देवी बनाकर जब अपने मन मंदिर में बैठाया था, उस वक्त वो सिर्फ औरत थी या राजकुमारी? जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब तुमने अपनी आंखों में प्यार भर के उसे देखा तो क्या सिर्फ उसका चेहरा देख रहे थे, या उसकी जात से वाबस्ता नाम पैसा शोहरत और दुनिया भर के आराम भी देख रहे थे? अपने आप से धोखा न करो राम, राजकुमारी से धोखा न करो जो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती है। ठीक ठीक बताओ, मोहब्बत करने से पहले तुम्हें राजकुमारी की दौलत का कभी ध्यान नहीं आया? जवाब क्यों नहीं देते? आया था। शुक्रिया, आपने मेरी सोई हुई आत्मा को फिर से जगा दिया है। ये लो, जिसे तुम्हें प्यार है। हाँ मैं रुपए से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या आप लोग रुपए से प्यार नहीं करते? आप चाहते हैं कि दौलत सिर्फ आपके पास रहे ताकि आप श्रेष्ठ और इज्जत वाले समझे जाएं, और मैं हमेशा बेचारा मजबूर और गरीब कहलाऊं। मैं पूछता हूँ क्यों, मैं आपसे किस बात में कम हूँ? मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, मैं भी आप ही की तरह पढ़ा लिखा हूँ। आपको दौलत ऐश के लिए चाहिए, आराम के लिए चाहिए, लुटाने के लिए चाहिए, मगर मुझे सिर्फ दो वक्त खाने के लिए चाहिए। क्या ये मेरा गुनाह है? मैं ये रुपए जरूर ले लेता, मगर इनमें हकारत और नफरत की भू लिपटी हुई है, ऐसे चिरे से
मेरा नाम भी भूल गए बाबूजी। मैं नैना हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत को पहचान नहीं सका था। मकान में रहने वाला मैं महलों के ख्वाब देखने लगा था। ये मेरी भूल थी। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मकान से महल तक नहीं पहुंच सके तो झोपड़ी में भी ना बाबू। तुम भी मुझे स्वीकार नहीं करोगी नैना? ऐसा ना कहो बाबूजी, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुमसे ज्यादा योग्य से कौन मिलेगा? देखा राम, जीत गरीब की हुई ना। अच्छा, गरीब और त्रिशंकु तो मिल जाए, अमीर भी आ मिलेंगे। नैना, त्याग का फल मिल रहा है। चलो चलो, गाड़ी चलने का वक्त हो गया। इसी मंडप पे तुम्हारी शादी हो जाए। मगर मेरे पापा? उन्हें मैं मना लेता हूँ, और मैं अपनी माँ को तो उन्हें भी साथ ले आता हूँ। उठो उठो बाबू साहब। तुम तो मने चोर कहते थे, मैं मारे से भी डबल चोर निकले हैं। या बुड्ढे के बिचारे की सारी दंदौलत लेने चालियो है। कहीं भी कहीं भी। नैना, मारी एक बात मानेगी? मैंने इनकार तो नहीं करेगी ना? इनकार न करना नैना, मैं सेठ जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रहा हूँ। या ले इधर की सारी रकम। सेठ जी, अट्टी में से सारी रकम निकाल रहे हो? भूल को प्रायश्चित कर रहे हूँ। देखो भाइयों, ये सब रकम तमारी है, मैं तमारी तरफ से या बिटिया को शादी को तोहफो। नहीं नहीं सेठ जी, तुम चुप रहो, तू तो लोभी है। देवी को छोड़ के उस पैसे वाले के पीछे भागा था। सेठ जी, मगर ये सब धंधा आपने किया क्यों? अरे मारे मन में लालच आ गई। लालच बहुत बुरी बला। ये बुड्ढे को देखो ना, लालच के वास्ते दुकान ने को बेच दियो, और इसको तो तुम जानते ही हो कैसे है। और ये बड़े लोग, ये बड़े लोग फर्स्ट क्लास में भी यही बैठने को देखे हैं। बोले चल उल्टे हाथ को दे। सेठ जी, हमारे देश के सब लोग लालच छोड़ दे तो देश कितना सुखी हो जाए। जल्दी बैठो, गाड़ी छूटता है। गाड़ी में मूर्ख हैं जो धन दौलत की चिंता करते रहते हैं। दो दिल मिल जाए जिस घर में स्वर्ग उसी को कहते हैं। बर्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बर्ती बर्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा।